एवरी वन, वेलकम टू द स्टडी 24 ऑफिशियल। मैं हूं प्रियंका और आज हम कंटिन्यू करेंगे एनवायरनमेंट का नेक्स्ट टॉपिक, जो कि होने वाला है फूड चेन, जिसे हम खाद्य श्रृंखला के नाम से जानते हैं। तो चलिए जानते हैं फूड चेन क्या है। जैसे कि इसके नाम से ही पता चल रहा है कि फूड की चेन बनेगी। एक ऑर्गेनिज्म दूसरे के ऊपर फीड करेगा, दूसरा तीसरे के ऊपर, तीसरा चौथे के ऊपर, इसी को फूड चेन बोला जाता है। और इसी के अंदर एनर्जी का फ्लो भी होता है, क्योंकि एक ऑर्गेनिज्म दूसरे को खाएगा तो जिसको खाएगा उसकी एनर्जी खाने वाले में चली जाएगी। इस तरह से एनर्जी का फ्लो एक से दूसरे में, दूसरे से तीसरे में होता है। बस यही फूड चेन है। तो डेफिनेशन में क्या बताया गया है ये भी देख लेते हैं कि फूड चेन इज ए सीरीज ऑफ ऑर्गेनिजम्स दैट ईट वन एनदर सो दैट एनर्जी एंड न्यूट्रिएंट्स फ्लो फ्रॉम वन टू द नेक्स्ट। वही बात यहाँ पे बताई गई है कि ये जो फूड चेन है ये सीरीज है किसकी, ऑर्गेनिजम्स की, क्योंकि एक ऑर्गेनिज्म दूसरे को खाएगा, दूसरा तीसरे को। इस तरह से एनर्जी का ट्रांसफॉर्मेशन होता है। और ये जो एनर्जी है, ये जो फूड है, ये कैसे बनता है? हमें पता है कि हमारे एनवायरनमेंट में सिर्फ और सिर्फ एक ही प्रोड्यूसर्स हैं, एक ही उत्पादक हैं जो कि फूड को बनाते हैं। वो क्या है? वो है हमारे प्लांट्स, वो है हमारे ट्रीज, जिसको हम प्रोड्यूसर के नाम से जानते हैं। और ये जो फूड की फॉर्मेशन होती है विद द हेल्प ऑफ फोटोसिंथेसिस होती है। ये जो प्लांट्स हैं ये प्रोड्यूसर का काम करते हैं। प्रोड्यूसर के ऊपर फीड करने वाले जो कंज्यूमर्स होते हैं, जिनको हम उपभोक्ता के नाम से जानते हैं, उनको हम प्राइमरी कंज्यूमर के नाम से जानते हैं, क्योंकि सबसे पहले वो फीड करते हैं प्लांट्स के ऊपर। और प्राइमरी कंज्यूमर के ऊपर फीड करने वाले जो नेक्स्ट कंज्यूमर्स होते हैं, उनको हम सेकेंडरी कंज्यूमर्स बोलते हैं। इसी तरह से टर्शरी कंज्यूमर, देन टॉप लेवल के हमारे कंज्यूमर्स होते हैं और उनकी डेथ हो जाती है और उनको फिर डीकम्पोजर्स फीड करते हैं और फिर वो सॉइल में मिक्स हो जाते हैं और फिर से दोबारा से वो प्रोड्यूसर्स उनको ले लेते हैं। इसके थ्रू, फोटोसिंथेसिस के थ्रू। तो यही फूड चेन है। फूड की ट्रांसफॉर्मेशन होगी, एनर्जी का फ्लो होगा, इसको हम फूड चेन बोलते हैं। एक ऑर्गेनिज्म दूसरे को खाएगा, दूसरा तीसरे को, तीसरा चौथे को। अब हिंदी में भी देख लेते हैं कि खाद्य श्रृंखला, जिसे हम भोजन श्रृंखला भी बोल सकते हैं, क्या बताया गया है यहाँ पे। विभिन्न प्रकार के जीवधारियों का एक क्रम है जिसके द्वारा एक पारिस्थितिक तंत्र में खाद्य ऊर्जा का प्रवाह होता है। मतलब वही है कि ये सीरीज ऑफ ऑर्गेनिजम्स यहाँ पे पाए जाते हैं, जो कि एक के ऊपर दूसरा फीड करेगा, दूसरे के ऊपर तीसरा, तीसरे के ऊपर चौथा। और इस तरह से जो हमारी एनर्जी है वो एक दूसरे में ट्रांसफर होती है। और एनर्जी कभी भी बनाई नहीं जाती है, लेकिन ये एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट हो सकती है। ना ये डिस्ट्रॉय होगी, ना ये बनाई जाएगी, लेकिन एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में इसको हम कन्वर्ट कर सकते हैं। आगे हमें एक्वेटिक सिस्टम की एग्जांपल दी गई है। सबसे पहले है पादप प्लवक, जिनको हम फाइटोप्लैंक्टोन्स के नाम से जानते हैं। और ये जो फाइटोप्लैंक्टोन्स हैं, इनके ऊपर फीड करने वाले जो प्लैंक्टोन्स होते हैं, जिनको हम जंतु प्लवक के नाम से जानते हैं, फिर इनके ऊपर जो फीड करते हैं वो होती है हमारी छोटी मछलियाँ, फिर बड़ी मछलियाँ, फिर स्तनधारी जो कि मैमल्स होते हैं। तो हमने देखा कि फूड चेन में क्या है। इसमें कोई भी हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, बिल्कुल इजी है कि एक ऑर्गेनिज्म को दूसरा खाएगा, दूसरे को तीसरा, तीसरे को चौथा। लेकिन इसमें जो इम्पोर्टेंट बात याद करने वाली है वो ये है कि प्रोड्यूसर्स जो होते हैं वो सिर्फ और सिर्फ वही होते हैं हमारी अर्थ के ऊपर, जो कि खाना खुद बनाते हैं, और उसके ऊपर जो फीड करते हैं उनको हम कंज्यूमर्स बोलते हैं। प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर, टर्शरी कंज्यूमर, देन टॉप लेवल के जो हमारे कंज्यूमर्स होते हैं, फिर डीकम्पोजर्स आ जाते हैं। और हिंदी में बोलना चाहें तो हम बोल सकते हैं कि उत्पादक होते हैं, फिर प्रथम उपभोक्ता होते हैं, द्वितीय उपभोक्ता होते हैं और तृतीय उपभोक्ता। इस तरह से हमारे सारे के सारे ये सीरीज में ऑर्गेनिज्म आते हैं और एनर्जी का फ्लो करवाते हैं और एनर्जी की साइक्लाइजेशन होती है हमारे इकोसिस्टम में। ये था बिल्कुल बेसिक सा कंसेप्ट कि फूड चेन क्या है। मुझे उम्मीद है कि आपको ये समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो किसी भी तरह से आपके लिए हेल्पफुल हो तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग की वीडियो देख के फीडबैक जरूर देना, जिससे कि मुझे भी पता चल सके कि जो मैं आपको यहाँ पे प्रोवाइड कर रही हूँ वो आपके लिए कितना बेनिफिशियल है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।